नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। शुरुआती दो मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो गया और इसमें हर किसी के लिए चौंकाने वाली बात यह रही कि 22 साल के ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया का बुलावा आ गया। रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलने वाले ध्रुव जुरेल को बतौर तीसरा विकेट कीपर स्क्वाड में रखा गया। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ईशान किशन से ऊपर तवज्जो दी है। ऐसे में ध्रुव जुरेल के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ गई है। इस बीच ध्रुव जुरेल ने एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने अपने संघर्षों और परिवार की बात की है। ध्रुव जुरेल के मुताबिक जब उन्हें अपनी पहली क्रिकेट किट की जरूरत पड़ी क्योंकि वो एक टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे, तब पिता ने किट दिलाने से मना कर दिया था क्योंकि हमारा बजट नहीं था। ऐसे में उनकी मां ने अपनी सोने की चैन बेची और उससे जो पैसा पाया उससे ध्रुव जुरेल की पहली किट खरीदी गई। बता दें कि ध्रुव जुरेल उत्तर प्रदेश के आगरा से आते हैं, उनके पिता सेना में हवलदार थे। ध्रुव खुद भी आर्मी में जाना चाहते थे, उनके पिता भी यही चाहते थे कि बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन ध्रुव का मन तो क्रिकेट में ही लगता था। जब उन्होंने पहली बार क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए अपना नाम लिखवाया तो पिता से बात छुपाई थी। बाद में जब उन्हें मालूम चला तो काफी डांट भी सुननी पड़ी। ध्रुव के पिता ने रिटायरमेंट के बाद PSO का भी काम किया। ध्रुव बताते हैं कि पिता की माली हालत देखकर उन्हें दुख होता था, ऐसे में उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करने का फैसला किया। अलग अलग स्टेज से गुजरे और बाद में IPL में मौका मिल गया। वहां से ही ध्रुव जुरेल की किस्मत पलटी। दूसरी ओर घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन हुआ। अब ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया की सीनियर टीम से बुलावा आ गया। जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनका चयन हुआ तो सबसे पहले दोस्तों ने ही ध्रुव को जानकारी दी क्योंकि वो भारत ए के लिए मैच में व्यस्त थे और अब 22 साल के ध्रुव को टीम इंडिया के साथ रहने का मौका मिलेगा। भले ही यहाँ उन्हें डेब्यू का मौका ना मिले लेकिन सीनियर टीम में माहौल में घुसने और काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपने देखा कि तंगी हालत, माँ ने सोने की चैन बेचकर किट दिलवाई, पिता ने कर्ज लिया और कितने संघर्ष के बाद, कितनी मेहनत के बाद आखिरकार उसका सीनियर टीम में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और अब देखना होगा कि कब उनको इस टीम से डेब्यू करने का मौका मिलता है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट।